हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अभी अपन ने फेसबुक पे एक बिजनेस पेज क्रिएट किया था, अभी सेम उसी नाम से हम इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको सेम नेम रखना है जो कि आपने एफबी पे जिस नाम से पेज क्रिएट किया, राइट। पहली सर्च जो कीवर्ड है उसको यूज में लेते हुए आपको आपके पेज का नाम रखना है ताकि वो आईजी पे, इंस्टाग्राम पे भी सर्चेज में आए, प्लस गूगल की सर्च एल्गोरिदम में भी आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल ग्रो हो सके, राइट। तो अब हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर यूआरएल बार के अंदर आपको लिखना है instagram.com या फिर गूगल पे आप इंस्टाग्राम सर्च करके और पहला लिंक भी ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का खुलेगा। अभी आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अभी आपका यूजर नेम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग गया है। अभी आपको पासवर्ड रख चाहो तो मोबाइल नंबर की जगह ईमेल आईडी भी रख सकते हो, एज यू विश वैसा कर सकते हो। अभी जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो आपकी। इन्फॉर्मेशन कोड भेजा है इसने, अगर आपने मोबाइल नंबर डाला होता तो मोबाइल पे भेजता, अपन ने ईमेल डाला था तो ईमेल पे कंफर्मेशन कोड सेंड किया। अभी देखो इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे आपका इंडिविजुअल अकाउंट बना है, अभी ये बिजनेस अकाउंट नहीं है, अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनल अकाउंट में, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इस पे मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, फर्स्ट रहता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में आप प्रमोशन नहीं कर सकते, मतलब स्पॉन्सर्ड एड नहीं चला सकते, राइट। सेकंड, आप इसके अंदर इनसाइट्स भी नहीं देख सकते। बिजनेस अकाउंट जो आप इंस्टाग्राम में बनाते हो, बिजनेस अकाउंट कह लो या फिर प्रोफेशनल अकाउंट, उसके अंदर ये ऊपर वाली तीनों फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो आप प्रमोशन भी रन कर सकते हो, प्लस स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी रन कर सकते हो और इनसाइट भी देख सकते हो अपने पर्टिकुलर पोस्ट के, कि कितने लोगों ने देखा है आपका पोस्ट, हैशटैग से कितने लोग आए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अभी देखो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप क्रिएटर हो या बिजनेस हो, तो अगर आप क्रिएटर डालना चाहते हो तो आप क्रिएटर डाल दो, और अगर आपका बिजनेस पेज है तो आप बिजनेस। अभी देखो यहाँ पर इसने क्लियरली लिख दिया है, प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू आप प्रमोशन भी रन कर सकते हो, साइट्स भी चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। अब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कैटेगरी शो आपकी प्रोफाइल पे तो आप इसको सेलेक्ट, अदरवाइज आप सेलेक्ट मत की, पर कैटेगरी डालना जरूरी है। ट्रैवल कंपनी है तो आप ट्रैवल कंपनी सेलेक्ट कर। अभी अपन डन पे क्लिक करेंगे, इन डन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपका यहाँ पर आने लग गया स्विच टू पर्सनल अकाउंट, मतलब ये प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया।
नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोफाइल को एडिट करना। आप चाहो तो ऐड अ प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करके और आपके लोगो को अपलोड कर सकते हो एज अ प्रोफाइल पिक्चर, राइट। इसमें बैनर इमेज जैसा या कवर फोटो जैसा कुछ रहता नहीं है, तो आप एडिट प्रोफाइल पे जा करके और बायो के अंदर आपके पेज का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी क्यों है? बिकॉज अभी अपन चाहते हैं कि गूगल पे आपका ये इंस्टाग्राम पेज इस नाम से रैंक करे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड्स है, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस भी है, टॉप टूरिस्ट प्लेसेस भी एक कीवर्ड है, टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन दी वर्ल्ड भी है, प्लेसेस इन दी वर्ल्ड भी है और टॉप प्लेसेस इन दी वर्ल्ड भी है। तो अगर आप इन सब का ट्रैफिक जोड़ोगे तो काफ़ी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम आपके सामने आएगा। इस वजह से अपन ने ये पर्टिकुलर नाम रखा था। अभी देखो, ये पर्टिकुलर कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए अपन बायो के अंदर लिख देते हैं। देखो, मैंने अभी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को भी टारगेट किया, और बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट, बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दी वर्ल्ड और प्लेसेस टू विजिट इन दी वर्ल्ड, दो चार कीवर्ड्स इसमें डिस्क्रिप्शन में और डाले। आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो और सबमिट करके इसको सेव कर सकते हो। अभी प्रोफाइल फ़ोटो भी आपको मैंने लगाना बता दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लग आपको कैसे डालना है आपको आइडिया दे दिया है मैंने। इंस्टाग्राम पे आपने अपना प्रोफेशनल अकाउंट भी सेटअप कर दिया है, राइट। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। और अगर इंस्टाग्राम को आपको इन डिटेल सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ से भी एनरोलमेंट ले सकते हो। प्लस जो वीडियो के अंदर मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी फ़ोन करके आप एडमिशन करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।